السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله تعالى کی تعریف और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों ना कह दिया कि हमें ऐसी बात मुँह से निकालनी भी लायक नहीं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, ये तो बहुत ही बड़ा बहतान है और तोहमत है। ये बहुत बड़ा बहतान और बहुत बड़ा तोहमत है। बार बार अल्लाह ताला उसी चीज़ को दोहरा रहा है। इससे गोया कि ये अहले ईमान को तंबीह की जा रही है कि जब भी कोई ऐसी बात अल्लाह के किसी नेक बंदे के सिलसिले में सुने, अल्लाह के नेक बंदे के सिलसिले में कोई ऐसी बात सुने, तो उन्हें फौरन ये कहना चाहिए, सुबहानका अल्लाह तेरी ज़ात पाक है। ये तो खुल्लम खुल्ला बहतान है, ये खुल्लम खुल्ला बहतान और ये तोहमत है। और यही बात उन अहले ईमान को जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर इल्ज़ाम और तोहमत लगाने में जो शरीक हो गए थे, ख़ुसूसन उन्हें तंबीह की जा रही है और रहती दुनिया तक के मुसलमानों को भी इसमें तंबीह की जा रही है कि ऐसी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। और जब भी कोई ऐसी बात सुनने में आए तो यह कहना चाहिए, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है। ये तो खुल्लम खुल्ला बहतान है, ये खुल्लम खुल्ला बहतान और इसी तरीके से इल्ज़ाम है। इसी तरीके से अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी भी ऐसा काम न करना, ऐसा काम ये जो गलती हो गई है, यानी वो अहले ईमान जो इसमें शरीक हो गए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर इत्तेहाम और तोहमत लगाने में जो शरीक हो गए, अल्लाह ताला उन्हें नसीहत कर रहा है कि तुम्हें नसीहत अल्लाह ताला करता है कि फिर कभी भी ऐसा काम न करना, फिर कभी भी ऐसा काम न करना अगर तुम सच्चे मोमिन हो, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, ईमान तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो फिर कभी भी ऐसे किसी मामले में और ऐसे किसी काम में हिस्सा नहीं लेना जिस काम में किसी अल्लाह के नेक बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता हो, इल्ज़ाम लगाया जाता हो और उसकी इज्जत को दागदार किया जाता हो, ऐसे किसी काम में कभी भी हिस्सा न लेना, ऐसे किसी काम में कभी भी हिस्सा न लेना। इसी तरीके से अल्लाह तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान फरमा रहा है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला ही, अल्लाह ताला की आयत है, अल्लाह की निशानियां हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें खोल खोल करके बयान करता है, अल्लाह तुम्हें खोल खोल करके बयान करता है। और कई जगह पर अल्लाह ताला ने बार बार यह तस्करा किया कि अगर अल्लाह ताला का फजलो करम ना होता, अल्लाह ताला का एहसान ना होता, तो यह जुर्म और यह गुनाह इतना बड़ा था कि इसकी बुनियाद पर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाता, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाता। इसी तरह इसी वजह से अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे सामने अपनी आयतें खोल खोल करके बयान करता है, अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। इसी तरीके से अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरजूमंद रहते हैं और उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब हैं, ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब हैं। अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते, अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। फाहिशा के माना बेहयाई के हैं और कुरान ने बदकारी को भी फाहिशा करार दिया है। यहाँ
बदकारी की एक झूठी खबर की इशात को भी अल्लाह ताला ने बेहयाई से ताबीर फरमाया है और उसे दुनिया और आखरत में अजाब अलीम का बाइस करार दिया है। दुनिया और आखरत में कि अगर आदमी झूठी खबर को फैलाए, उसकी नशर इशात करे, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने गोया कि उस झूठी खबर के फैलाने और अफवाह फैलाने पर अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब की अल्लाह ताला ने धमकी दी है। अल्लाह ने दर्दनाक अजाब की अल्लाह ताला ने उसे धमकी दी है, अजाब अलीम का बाइस करार दिया है, जिससे बेहयाई के बारे में इस्लाम के मिजाज का और इसी तरीके से अल्लाह ताला के मंशा का अंदाज़ा होता है कि महज बेहयाई की एक झूठी खबर की इशात इंदल्लाह इतना बड़ा जुर्म है। जो लोग रात दिन एक मुस्लिम माशरे में अखबारात, रेडियो, इसी तरीके से टीवी और फिल्मों और ड्रामों के ज़रिए से बेहयाई फैला रहे हैं और घर घर उसे पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे लोग कितने बड़े मुजरिम होंगे जिनका यही काम है। बहुत सारे लोग ख़ास तौर से जो इस दौर में, इस ज़माने में मोबाइल का काम करते हैं, मोबाइल की दुकानें चलाते हैं, कोई कहता है कि ये गाना डाल दो, कोई कहता है ये पिक्चर डाल दो, कोई कहता है ये डाल दो, सारे काम करते हैं और पैसे लेते हैं, सारे काम करते हैं और पैसे लेते हैं। तो गोया कि ऐसे लोग फहश और बेहयाई की नशोनिशात करते हैं, फहश चीज़ों का और इसी तरीके से बेहयाई की नशोनिशात करते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ ये लोग कितने बड़े मुजरिम होंगे, अल्लाह ताला के यहाँ ये लोग कितने बड़े मुजरिम होंगे। और उन इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन, ऐसी जगह जहाँ पर बेहयाई की नशर इशात होती है, बेहयाई की नशर इशात होती है और बेहयाई का को फ़रोग दिया जाता है, उसमें काम करने वाले क्यों करे इशात फाहिशा के जुर्म से बरी उज़िम्मा करार पाएंगे। इसी तरह से अपने घरों में टीवी ला करके रखने वाले, अपने घरों में टीवी ला करके रखने वाले जिससे उनकी आइंदा नस्लों में बेहयाई फैल रही है, वह भी इशात फाहिशा के मुजरिम क्यों नहीं होंगे। आज बहुत सारे लोगों के घरों में अजान हो रही है, टीवी से आवाज़ आ रही है, नाच और गाने के प्रोग्रामों के और इसी तरीके से गंदी फिल्मों की आवाज़ें उनसे सुनाई, इतनी भी गैरत मर चुकी है कि अल्लाहु अकबर के कलिमात बुलंद हो रहे हैं और उधर मुसलमानों के घरों में टीवी चल रही है, उधर गाने सुने जा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं। तो गोया कि आइंदा आने वाली नस्लों को तबाह व बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आइंदा बहुत सारे लोगों को जब समझाया जाता है कि ये सारी चीज़ें क्यों ला करके रख लिए हो, बच्चे ख़राब हो जाएंगे, बच्चों की जो है मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो उनका जवाब क्या होता है, दूसरों के घर बच्चे जाते थे तो लोग भगाते थे, इसलिए दूसरे के घर पिक्चर और फिल्म देखने जाते थे तो वो भगाते थे, तो हमने खुद अपने घर में फिल्म हॉल खोल लिया, हमने खुद अपने घर में सिनेमा हॉल खोली। ये बहाना मेरे भाइयों, उसका गलत इस्तेमाल करके नस्लों को ख़राब किया जा रहा है, नस्लों को ख़राब किया जा रहा है। लिहाजा वो चीज़ें जो हमारे लिए और इसी तरीके से हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो चीज़ें नुकसानदेह हैं, ऐसी चीज़ों को अपने घरों में रखने से परहेज़ करना चाहिए, अपने घरों में रखने से परहेज़ करना चाहिए। तो इसी तरीके से वो भी इशात फाहिशा के मुजरिम क्यों नहीं होंगे। और यही मामला रोज़नामा अखबारात का है कि उनका भी घरों के अंदर आना इशात फाहिशा का ही सबब है, ये भी इंदल्लाह जुर्म है। ये अखबारात जो ला करके घरों में रखते हैं उनसे उसमें गंदी तस्वीरें रहती हैं, गंदी तस्वीरें रहती हैं, बेकार चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें भी फहश चीज़ों को फैलाने का और उसकी नशर इशात का बाइस और ज़रिया हैं। और इसी तरीके से मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा नस्लों को जो ख़राब करने वाली चीज़ है वो मोबाइल है, ख़राब करने वाली चीज़ है वो मोबाइल है। इसके फ़ायदे कम और नुकसानात ज़्यादा आज समाज में रोनुमा हो रहे हैं। मैं जिसको भी देखिए वो मोबाइल में मगन है, जहाँ भी है, सफ़र में है, हज़र में है, घर में है, दुकान में है, कहीं भी है, वो मोबाइल में मगन है, मोबाइल में और मगन है। और ये नहीं कि उसका सही इस्तेमाल करके अपनी इस्लाह और सुधार कर रहा है, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल करके अपनी दुनिया और आखिरत को ख़राब कर रहा है। किसी को जब समझाइए कि क्यों दिन भर मोबाइल में बिजी रहते हैं तो कहता है टाइम पास करें। टाइम पास करने के लिए जिक्र अजकार में रहना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का विर्द करना चाहिए,
तो दिन भर मोबाइल में मगन है, दिन भर मोबाइल में मगन है। तो गोया कि ये वो चीज़ें हैं जो नस्लों को ख़राब करने का बाइस और ज़रिया हैं, लिहाजा ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो इसी तरीके से काश मुसलमान अपनी इन जिम्मेदारियों का एहसास कर लेते, काश मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर लेते। अगर जिम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर पैदा हो जाए, जिम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, यह एहसास अगर पैदा हो जाए तो शायद हमारे अंदर अच्छाइयाँ बढ़ जाएंगी और खामियों की इसलाह हो जाएगी, अच्छाइयाँ बढ़ जाएंगी और खामियों की इसलाह हो जाएगी। और इसी तरीके से उस बेहयाई के तूफान को रोकने के लिए अपनी हत्तल इम्कान, अपनी हत्तल इम्कान भरपूर सही और कोशिश करते अपनी इसलाह के लिए। और इसी तरीके से बेहयाई के इस तूफान को रोकने के लिए मुसलमान जितनी भी कोशिश होती हत्तल मकदूर उसकी कोशिश करते, तो ऐसी सूरत में इस बात का इम्कान है कि हम और आप सही रास्ते पर आ जाते और गलत चीज़ों से हम बच जाते। लेकिन उसके लिए ना तो कोई कोशिश है और ना तो उसके लिए हमारे पास कोई तगोदो है, बल्कि जो जिसमें मगन है उसी में मगन नज़र आ रहा है। किसी को ना तो अपनी इसलाह की फिक्र है, ना अपनी नस्लों की इसलाह की फिक्र है, ना कौम मिल्लत की इसलाह की फिक्र है, जिसकी वजह से आज कौम मिल्लत तबाही और बर्बादी के दलदल में फंसती हुई चली जाती है। लिहाजा हमें खुद अपनी इसलाह करनी चाहिए, अपने नस्लों की इसलाह करनी चाहिए, कौम मिल्लत की इसलाह का दर्द हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को हर ऐसे काम से जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले हों और जिसके ज़रिए से हमारी नस्लें बिगड़ने वाली हों, अल्लाह उन सारी चीज़ों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला खुद हमें अपनी इसलाह करने और अपनी नस्लों की इसलाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।